हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसईयू के बीबीए कोर्स के बारे में। यहां पे मैं आपको डीएसईयू के बीबीए कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि यहां पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यहां पे एडमिशन कैसे होता है, इसके कैंपस कहां कहां पे हैं, किस कैंपस में कौन सा कोर्स ऑफर होता है, उसमें कितनी सीट है, यहां पे फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, जिन बच्चों को नहीं पता कि आखिर डीएसईयू का मतलब क्या होता है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि डीएसईयू का मतलब है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली एक नया विश्वविद्यालय है जो लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसका जो पहला बैच है वो 2021 में शुरू किया गया था। तो काफी नया कैंपस है, पर नए का मतलब ये नहीं कि बेकार है। नए का मतलब यार ये है कि काफी अपडेटेड है। इनका जो सिलेबस आप देखोगे तो काफी अपडेटेड सिलेबस है, एकदम नए के हिसाब से रखा गया है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये लोग उसको भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो सारे कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फीस भी यहाँ पे काफी कम रहती है। और इनका जो मेन फोकस, इनका जो विजन बोलो, इनका जो मिशन है वो ये है कि ये लोग आपकी स्किल पे काम करते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, ये लोग आपकी स्किल पे काम करते हैं, आपकी आपको नई स्किल सिखाई जा सके, ताकि जब आप यहाँ से पढ़ाई करके बाहर निकलो तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लग सके। ये लोग इस चीज पे काम करते हैं कि आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग सके, किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर सकें या आप खुद का एक बिजनेस भी कर सकें। तो ये मेनली इनका जो मेन फोकस आपका रहता है, आपकी स्किल पे लोग काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बीबीए के बारे में। तो बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है। और डीएसईयू में बीबीए के अंदर 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन कराई जाती हैं। पहला आपका है बीबीए इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, दूसरा है बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, और तीसरा है बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट। ये 3 आपकी ब्रांचेस हैं जो बीबीए के अंदर ऑफर की जाती है डीएसईयू के अंदर। और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि वैसे तो ये जो कोर्स है ये 3 साल का है, पर अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को 1 साल के बाद छोड़ देते हैं तो वहां पे आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर आपको 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप पूरा 3 साल का करते हैं फिर तो आपको यहाँ पे जो बीबीए की डिग्री है वो मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यार, मैं आप लोगों को बता दूं कि बीबीए के अंदर 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन कराई जाती हैं, और तीनों के लिए ही अलग अलग यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीबीए आपका जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपने क्लास 12th में कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो, और आपने अपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। उसके अलावा अगर आपको बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपने अपने क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आपको बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपने अपने क्लास 12th में कम से कम 55% मार्क्स स्कोर किया हो। तो तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। पर अगर मैं आपको एक ओवरऑल बताऊं तो अगर आपके क्लास 12th में कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा है, और आपने अपने क्लास 10th में 60% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया है, तो तीनों के लिए ही यहाँ पे अप्लाई करने में एलिजिबल हैं। बाकी अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आप लोगों को कैटेगरी वाइज भी बता दिया है, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके कैंपस कहाँ कहाँ पे हैं, और किस कैंपस में कौन सा कोर्स कराया जाता है, और किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो ये चीजें हम देख लेते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, वहां से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो पहला वाला कोर्स है बीबीए इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये वाला जो कोर्स है ये कहाँ कहाँ कराया जाता है, उसमें सीट कितनी है। तो यार, ये वाला जो आपका कोर्स है इसके टोटल 2 कैंपस हैं। पहला आपका है शकरपुर कैंपस जिसमें 180 सीट्स हैं, दूसरा आपका द्वारका कैंपस है जिसमें 120 सीट्स हैं। तो टोटल ये वाला जो आपका कोर्स है इसमें टोटल अगर हम देखें तो 300 सीट्स हैं। बाकी यहीं पर अगर मैं फीस की बात करूं तो इसमें आपकी जो फीस है वो फर्स्ट ईयर की फीस आपकी है 50,000 रुपीज, सेकेंड ईयर की फीस है 55,000 रुपीज, और थर्ड ईयर की फीस आपकी है 60,500 रुपीज। तो ये तो हमारा पहला वाला कोर्स हो गया। इसके बाद जो दूसरा कोर्स है बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, ये कोर्स आपका एक ही कैंपस में कराया जाता है। तो ये आपका द्वारका कैंपस में है, और इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं। बाकी अगर मैं फीस की बात करूं तो इसमें आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो है 50,000 रुपीज पर ईयर, 1 साल की फीस। सेकेंड ईयर की फीस आपकी है 55,000 रुपीज,
और थर्ड ईयर की फीस यहाँ पे आपकी है 60,500 रुपीज। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो आखिरी कोर्स है BBA इन रिटेल मैनेजमेंट, इस कोर्स के बारे में। TREA वाला जो कोर्स है ये भी दो कैंपस में कराया जाता है। पहला आपका पूसा कैंपस है जिसमें 60 सीट्स हैं, और दूसरा आपका है विवेक विहार कैंपस, इसमें भी 60 सीट्स हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों कैंपस का मिला के टोटल यहाँ पे 120 सीट्स हैं। बाकी अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो एक साल की फीस है फर्स्ट ईयर की वो है 40,000 रुपीज, सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है 44,000 रुपीज, और थर्ड ईयर की यहाँ पे जो फीस है वो है 48,400 रुपीज। इसके अलावा एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों को DSEU की तरफ से फीस में छूट भी दी जाती है, और DSEU में काफी सारी स्कॉलरशिप भी रखी गई है तो वो भी उनको दी जाती है। तो यार ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि DSEU में एडमिशन के लिए ये लोग अपना कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे आपके जो क्लास 12 के मार्क्स होते हैं उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपके जो क्लास 12 के मार्क्स हैं ये उसको देखते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल हैं तो ये लोग उसके मार्क्स को देखते हैं, और इन सारे मार्क्स के बिहाफ पे ये आपकी एक रैंक अलॉट कर देते हैं, और उस रैंक के बिहाफ पे फिर यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होती है। जिस बच्चे की जैसी रैंक आई होती है उसके बिहाफ पे उसको ऐसा कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जाती है, फिर कट ऑफ के लिए मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप अपनी जो कट ऑफ है उसको देख सकते हैं। वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करते ही एक पूरा आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस आर्टिकल को थोड़ा नीचे करेंगे तो नीचे करने के बाद वहां पे आपकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जनरल की कितनी कट ऑफ गई है, या SC की कितनी गई, ST की कितनी गई, OBC की कितनी गई, ऐसे करके पूरा कैटेगरी वाइज आप अपनी जो कट ऑफ है वो वहां पे देख सकते हैं। तो यार आप लोग वहां से कट ऑफ देख लेना, उससे आपको काफी हेल्प हो सकती है, तो कट ऑफ वहां से चेक कर लेना। बाकी इनका जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उस टाइम पे मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा कि फॉर्म आ चुका है, और फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर भी मैं उसी टाइम पे वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब मैं उस टाइम पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके कि फॉर्म आ चुका है, फॉर्म कैसे भरना है, या कोई इनकी अपडेट आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता ही दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट है तब कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।